अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल सिंपल किचन रेसिपी। आज मैं बनाने जा रही हूँ खस्ता बिस्किट। बिना ओवन के हम खस्ता बिस्किट बनाएंगे, बहुत ही सिंपल तरीके से हम बनाएंगे। कढ़ाई में हम खस्ता बिस्किट बनाएंगे। कैसे बनती है खस्ता बिस्किट, रेसिपी की तरफ जाने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बगल में जो बेल आइकन है उसे ज़रूर प्रेस करें, लाइक करें, शेयर करें और कॉमेंट करें। तो चलिए चलते हैं रेसिपी की तरफ। एक बाउल लिया है मैंने और एक छलनी लिया है, उसमें एक कप मैदे का आटा लेना है, आधा कप हमें गेहूं का आटा लेना है, आधा कप कस्टर्ड पाउडर है, आधा चम्मच हमें बेकिंग पाउडर लेना है और 1/4 बेकिंग सोडा लेना है। हमें अच्छे से इसे छान लेना है। एक पैन चढ़ाया मैंने गैस स्टोव में और 2 चम्मच जीरा लिया है, उसे हल्का सा रोस्ट कर लेना है हमें। हम जीरा बिस्किट बना रहे हैं, जीरा खस्ता बिस्किट, हल्का सा ही रोस्ट करना है। देखिए इस तरह से हमें इसे हल्का सा क्रश कर लेना है, ज़्यादा नहीं, थोड़ा ही हमें क्रश करना है इस तरह से। एक बॉल लिया है मैंने, उसमें आधा कप मैंने देसी घी लिया है, आधा रिफाइंड और आधा देसी घी लिया है। उसमें मैं 2 चम्मच 2 टेबल स्पून चीनी को पीस कर पाउडर बनाकर मैंने ऐड किया, और थोड़ा सा ही, आधा चम्मच से थोड़ा कम मैंने इसमें नमक ऐड करके अच्छे से मैंने इसे फेंट लिया है। इस तरह से वाइट कलर का हो जाएगा। उसके बाद जो मैंने आटा छाना था वो सारे आटे को इसमें ऐड करेंगे और इन सभी को मिला के हमें अच्छा एक डो तैयार करना है। और जीरा जो मैंने क्रश किया था आधा से ज़्यादा हम इसमें ऐड कर देंगे, थोड़ा सा हम बचा लेंगे और ज़रूरत के हिसाब से दूध ऐड करके हम इसे मिला लेंगे। आटे के जैसा हमें नहीं इसे मिलाना है, हल्के हाथों से इसे इसका डो बनाना है, डो तैयार करना है। इस तरह से हमें मिलाना है। हमें 5 से 6 चम्मच दूध का दूध ज़रूरत पड़ सकता है इसमें। देखिए इस तरह से हमारा डो तैयार होगा। इसे हम 15 से 20 मिनट के लिए रेस्ट के लिए छोड़ देंगे। इस तरह से हमारा डो तैयार होगा। 15 से 20 मिनट मैंने इसे रेस्ट के लिए छोड़ दिया था। एक हमें इस तरह से चॉपिंग बोर्ड वगैरह चौकी लेना है, उसमें थोड़ा सा ऑयल हमें डालकर फैला देना है और इस तरह से हमें बेलन से बेल लेना है। ज़्यादा पतला ना करना है, ना ही ज़्यादा मोटा रखना है हमें। इस तरह से हमें बेल लेना है। उसके बाद जो मैंने ज़ीरा रखा था उसमें ऐड कर देंगे और हल्के हाथों से थोड़ा सा उसे प्रेस कर देंगे, दबा देंगे और हम छुरी से इसे कट करेंगे। आपके पास अगर कुकी कटर है तो उससे भी आप कट कर सकते हैं। आपकी मर्जी है, जैसा भी शेप देना चाहते हैं आप उसे काट सकते हैं। और जो साइड साइड का जो निकलेगा एक्स्ट्रा, उसे हम दोबारा से बेल के उसको फिर से कट करके पीसेस निकाल सकते हैं। देखिए एक्स्ट्रा जो है हमें इस तरह से फिर से उसे बेल के हम उसका पीसेस निकाल लेंगे। देखिए इतना ही पतला हमें बेलना है, ज़्यादा मोटा नहीं बेलेंगे हम। एक मैंने अल्मीनियम का यहाँ प्लेट लिया है, उसमें थोड़ा सा ऑयल डालकर उसे फैला लेंगे।
ताकि जो बिस्किट हम इसमें डालेंगे वो आसानी से निकल जाएंगे। और इसे हम थोड़ा, देखिए ये चम्मच से मैं इसे थोड़ा थोड़ा उसमें इस तरीके से छेद कर दूंगी ताकि जो फूलेंगे बिस्किट तो उसमें कोई प्रॉब्लम ना हो। इस तरह मैं ऐसे मैं एक कढ़ाई ली हूँ, उसमें एक स्टैंड रख दिया है मैंने, और वो प्लेट को मैं उसके अंदर रख के उसे लिड लगा दूंगी इसकी। मैंने इसे प्री हीट किया है कढ़ाई को, और हम इसे मीडियम फ्लेम में 20 मिनट तक पकाएंगे। उसके बाद मैं एक लोहा का तवा ली हूँ, उसे अच्छे से मैंने गरम कर लिया है और ऊपर से रख दिया है ताकि ऊपर से हमारा बिस्किट अच्छे से रेडी हो जाए। देखिए हमारा, मैं ठंडक होने के बाद मैंने इसे सर्व कर लिया है। मैं आपको तोड़कर भी दिखाऊंगी कितने खस्ता बनी है ये। देखिए नीचे से भी नहीं जली है, परफेक्ट है हमारा खस्ता बिस्किट। देखिए कितनी आसानी से टूट गई, कितनी खस्ता है ये। थैंक यू।